राधे, प्राय हम आप लोग सभी जब मंदिर में जाते हैं तो ठाकुर जी पर पैसे के सिक्के फेंकते हैं या चढ़ाते हैं या भेंट देते ही हैं। वैसे तो ये भाव प्रधान चीज है कि हम गए हैं ठाकुर के पास, तो ठाकुर को तो हम क्या दे सकते हैं, ठाकुर से तो लेना ही है, ठाकुर की कृपा से हमें प्राप्त है। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि ठाकुर है, मंदिर है, वहाँ की सेवा है, पूजा है, भोग है, आरती है, तुलसी है, गमला है, बिजली है, पुजारी है, खर्च तो होता ही है। तो यथासंभव वहाँ कुछ न कुछ दक्षिणा भेंट, कुछ न कुछ देना ही चाहिए। अब देने की स्थिति यह है कि यदि वहाँ गुल्लक वगैरह लगी हुई हैं तो उन गुल्लकों में ही अपनी राशि, सेवा राशि डाल देनी चाहिए, अथवा वहाँ जो भी अधिकृत व्यक्ति हो, थाली हो, पुजारी हो, जो भी व्यवस्था हो वहाँ देना चाहिए सम्मान सहित। अब एक दूर से 1 रुपए का या 10 का सिक्का उछालना और वो जाके किसी व्यक्ति को लगे, श्री विग्रह को लगे, किसी आरती को लगे, ये मुझे थोड़ी सी अनुचित और अभद्र सा प्रतीत होता है। कुछ ऐसे भी लोगों की मान्यता है कि यह उचित नहीं है। ठाकुर से कृपा मांगो, ठाकुर से भक्ति मांगो, ठाकुर को प्रणाम करो, ठाकुर को दर्शन करो, ये क्या 1 रुपए का या 10 रुपए का सिक्का उछाल रहे हो आप? तुम क्या, तुम्हारी ताकत है कि तुम ठाकुर को कुछ पैसा दे सकते हो या कुछ सहायता कर सकते हो? ठाकुर तो सर्वसृष्टि का नियंतर है, नियंता है, सर्वसमर्थ है, ये भी मत है। लेकिन फिर भी भाव कुछ भी रहा हो, हमें शायद प्रैक्टिकल होना अधिक अच्छा लगता है। और प्रैक्टिकलिटी यही है कि सिक्के ना उछाले जाएं, गुल्लक में डाले जाएं, आराम से यदि हम मंदिर के पास खड़े हैं तो थाली में डाले जाएं, कम से कम फेंकना जो है, फेंकने की क्रिया को बाधित किया जाए और रोका जाए। इस विषय में एक निवेदन और भी करना चाहूंगा। बंगला की एक कहावत है, तेलेर माथे माथा है तेल दे, मतलब जिसके सिर में तेल लगा होता है उसी को ही तेल लगाते हैं लोग। अर्थात जहाँ पहले से ही बहुत धन है, संपत्ति है, बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ भेंट देते हैं। जबकि सत्य और प्रैक्टिकल बात ये है कि हम, हमें बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े उसमें भेंट नहीं डालनी चाहिए। छोटे मंदिर ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ भेंट, पूजा की व्यवस्था नहीं है, भोग की व्यवस्था नहीं है, आरती की व्यवस्था नहीं है, पुजारी जी के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। तो हमें कोशिश करके ऐसे जो उपेक्षित मंदिर हैं, क्योंकि ठाकुर तो ठाकुर ही है, कहीं भी कैसे भी बैठा है, उन उपेक्षित मंदिरों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए भेंट आदि, सहायता आदि वहाँ देनी चाहिए, जिससे वहाँ विराजमान ठाकुर को कम से कम एटलीस्ट जो उनकी आवश्यकता है उनमें कहीं ना कहीं हमारी सेवा लग जाए। बड़े बड़े मंदिरों की बजाय छोटे मंदिरों को भेंट सेवा दी जाए, सिक्के न उछाले जाएं, श्रद्धा सहित, प्रणाम सहित, ये सौभाग्य मानते हुए कि हमारे 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये ठाकुर ने स्वीकार किए, शालीनता से, सभ्यता से हम भेंट चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। जय श्री राधे, जय नेताई।